हेलो स्टूडेंट वेलकम बैक उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए अपना ऑलरेडी सेवन चैप्टर जो है ओ सी इलेवन का चल रहा था उसके अंदर मैंने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी बना दिया जिस बच्चों ने अभी भी मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक ऑलरेडी तुम लोग के लिए देके रखा है नॉट ओनली सेवन चैप्टर्स का फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी फर्स्ट से लेके सिक्स चैप्टर के भी सब पार्ट्स डिस्क्रिप्शन के अंदर दे के रखा है वहाँ जाके आप क्या कर सकते हो रिवाइज कर सकते हो आज अपना सेकेंड पार्ट होगा सेवन चैप्टर्स का जो है बिजनेस एनवायरमेंट इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है डायमेंशन ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट मतलब कौन से कौन से फैक्टर मेरे बिजनेस एनवायरमेंट पर इम्पैक्ट पड़ता है मतलब मेरे बिजनेस को अफेक्ट देगा वो अपन पढ़ेंगे जो है इंटरनल है और है ब्रॉडली मैं बोलने चाहता तो चलो शुरू करते हैं ये पार्ट को ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द इंटीमेसी विद द फॉर्म The environmental factor may be classified into the two types of environment the internal environment and external environment

तो वो इंटरनल मैटर है वहां पे अगर सपोज कि कोई अर्जेंट वर्क था उसका तो आप दूसरे एंप्लॉइज को उसकी जगह पे बिठा के क्या कर सकते हो तो काम करवा सकते हो कंट्रोलेबल है मतलब आप चाहो तो उसको कंट्रोल कर सकते हो अनकंट्रोलेबल मतलब कोविड आपके हाथ में है नहीं एक्सटर्नल फैक्टर तो एक्सटर्नल फैक्टर वो फैक्टर है जो कंट्रोलेबल नहीं कंपटीशन आपके हाथ में नहीं मार्केट में नए नए बिजनेसमैन आ रहे बढ़ती जा रही एक्सटर्नल फैक्टर मतलब बॉटम ऑफ द लाइन ये बोलना चाहता हूं कि इंटरनल फैक्टर वो फैक्टर हो जो आप कंट्रोल कर सकते हो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में हो. But external factor वो बट एक्सटर्नल फैक्टर वो फैक्टर हो गए जो बिजनेसमैन के आर्स में नहीं है उसको अनकंट्रोलेबल बोल सकते हो आप ठीक है चलो शुरू करते हैं बिजनेस एनवायरमेंट कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल टर्म बिजनेस एनवायरमेंट जनरली रिफर्स टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंट एंड इंक्लूडिंग द फैक्टर आउट साइड द फॉर्म दट इज इकोनमिक एनवायरमेंट पॉलिटिकल एनवायरमेंट लीगल एनवायरमेंट सोशल कल्चर एनवायरमेंट टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट नेचुरल एनवायरमेंट एंड ग्लोबल एनवायरमेंट ये सब चीजें अपन अभी डिटेल में पड़ेगी वन बाई वन उससे पहले शुरू करते हैं इंटरनल और कंट्रोलेबल फैक्टर ध्यान में रखना बच्चे लोग वन माक के लिए आ सकता है आपको बाई इंटरनल फैक्टर इज डैश फैक्टर कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल तो आपका आंसर आएगा कंट्रोलेबल फैक्टर तो पॉलिसी डिसाइडेड बाय द शेयर शेयर होल्डर होल्डर नथिंग बट ओनर मैनेजर लेबर यूनियन एंड द एम्प्लॉय एज अ इंटरनल एक्सटर एनवायरमेंट फैक्टर व्हिच कैन बी ए कंट्रोल ऑन दिस एक्सटेंड द फैक्टर ऑफ द इंटरनल एनवायरमेंट आर डिस्कस एज फॉलो वन बाय वन अपन पढ़ते हैं पहला ये वैल्यू सिस्टम देखो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आपकी इमेज कहाँ ना कहाँ ऊपर जा रही है गुडविल कहाँ ना कहा ऊपर जा रही है वैल्यू कहाँ ना कहाँ इनडायरेक्टली बोलने जाए तो वैल्यू कहाँ ना कहाँ बढ़ रही है उसका रीज़न एक ही लोग हैं जो है टॉप मैनेजमेंट मतलब जो फाउंडर लोग हैं मतलब जिन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया फाउंडर उसको बोलेंगे और जिन्होंने वो बिजनेस स्टार्ट करने के बाद ऊंचाई तक लेके गए उसको बोल सकते हैं टॉप मैनेज क्योंकि पूरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नो डाउट सब मिलके चलाते हैं बट कहा ना जो डिसीजन पॉलिसीज होती है डिसीजन मेकिंग पावर होता है पॉलिसीज बनाना है फ्यूचर्स के प्लान बनाना है वो कौन बनाता है टॉप एग्जीक्यूटिव ही बनाते हैं तो कहा ना वैल्यू सिस्टम के अंदर वैल्यू एडिट के अंदर उन लोग का योगदान क्या है सबसे ज्यादा है तो वैल्यू सिस्टम ऑफ द फाउंडर एंड दस एट अ टॉप मैनेजमेंट हैज अ इंपॉर्टेंट बेयरिंग ऑन द चॉइस ऑफ द बिजनेस वैल्यू सिस्टम इज एन इंपॉर्टेंट टू द सक्सेस ऑफ द बिजनेस सेकेंड है विजन मिशन एंड ऑब्जेक्टिव एवरी ऑर्गेनाइजेशन के सबसे अप, सबके अपने अपने क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव होते हैं मिशन होते हैं कि भाई मुझे नेक्स्ट पांच साल में ये अचीव करना है नेक्स्ट दस साल में वो अचीव करना है ठीक है तो बिजनेस ऑफ द कंपनी प्रायोरिटीज डायरेक्शन ऑफ द डेवलपमेंट बिजनेस फिलोसॉफी एंडनेस पॉलिटिश एक्स्ट्रा आर गाइडेड बाई द विजन मिशन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस थर्ड बोलता है मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड नेचर द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्सटेंड ऑफ द प्रोफेशनलिज्म ऑफ द मैनेजमेंट एक्सट्रा आर इम्पोर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द बिजनेस डिसीजन देखो अपन सपोज आज अपन देख रहे हैं कि रिलायंस टाटा रतन टाटा मुकेश भाई अंबानी जो आज इतने लीडर है मतलब सक्सेसफुल बिजनेसमैन क्यों बोला है क्योंकि उसमें क्वालिटी है वो डिसीजन पावर की और जो भी मार्केट में कॉम्पिटिशन्स है उसको क्या करने के कम्पीट करने के अगर सपोज कि कोई ऐसा बिजनेसमैन है वो एक डिसीजन छोटा सा डिसीजन नहीं ले सकता तो उसमें वो कॉम्पिटिशन पावर नहीं है वो बिजनेसमैन एंटरप्रीनियर क्वालिटी नहीं है तो कहाँ ना कहाँ आपको क्या कर देना है उसको रफा दफा करके नया कैंडिडेट क्या करना है फाइंड आउट करना है तो कहा ना कहा मैनेजमेंट स्ट्रक्चर आप पे है कि किसको अपॉइंट कर रहे हो

The support of the top management, to the different level of employees, shareholder, and board of directors, have an important influence on the decision and their implementation. रिलेशन बिटवीन द मेम्बर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव इज ऑल्सो क्रिटिकल फैक्टर अफकोर्स कभी कभी डिस्प्यूट होते हैं टॉप मैनेजमेंट में भी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलेगा मैं डिसीजन ले रहा हूँ सीई ओ बोलेगा मैं मेरा डिसीजन ये है सी एफ ओ बोलेगा मेरा व्यू है तो अगर सपोज की डिफरेंट डिफरेंट व्यू सब different, different अलग अलग मर्जी से तो चले गए तो चलेगा नहीं सबको एक साथ रह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का क्या करना है फायदा देखना है नहीं कि पर्सनल फायदा देखना है तो ये भी एक इंटरनल फैक्टर होता है और लास्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स लाइक अ स्किल क्वालिटी मोरल कमिटमेंट एंड एटीट्यूड एट एक्स्ट्रा विल बी कॉन्ट्रीब्यूट टू द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आपके पास कितना क्वालिटी स्टाफ है आप कैसे उसको ट्रेन करते हो तो यह भी बहुत इंपैक्ट पड़ता है अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अदर फैक्टर कौन से है जो है इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही इंटरनल फैक्टर ही कौन से अदर्स के अंदर पहला फिजिकल अट एंड फैसिलिटी प्रोडक्शन कैपेसिटी टेक्नोलॉजी एंड एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक आर द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द कॉम्पिटेटिव नेगर अगर अगर आप कोई ऐसी मशीनरी यूज कर रहे हो जो ओल्ड टाइप ट्रेडिशनल मेथड है आप न्यू टेक्नोलॉजी उसके बाद भी आ गई है दस साल पुराना टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो दस साल पुराना असेट्स यूज कर रहे हो तो कहा ना कहा आपका इतना सक्सेस होगा नहीं कहा ना कहा आपका इतना ग्रोथ होगा नहीं बिजनेस का सेकंड है मार्केटिंग रिसोर्सेज क्वालिटी ऑफ मार्केटिंग ब्रांड क्वालिटी सॉरी ब्रांड इक्वेलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अटेक्स हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द बिजनेस आपके कैसे मार्केट के अंदर नेटवर्क से आप कैसे रिलेशन बना रहे हो आउटसाइडर के साथ सेलर्स के साथ वेंडर के साथ वो भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे थर्ड है फाइनेंशियल और लास्ट है फाइनेंशियल फैक्टर फाइनेंशियल पॉलिसीज़ फाइनेंशियल पोजिशन एंड स्ट्रक्चर अटेक्स आर ऑल्सो अफेक्ट द बिजनेस परफॉर्मेंस स्ट्रैटेजीज एंड डिसीज़न. तुम लोग को खुद को मालूम है कि भाई बिजनेस के लिए उसके लिए आगे लेके जाने के लिए उसके अंदर क्या होना चाहिए फाइनेंस होना चाहिए मैंने तुम लोगों को डे वन पे बोला कि विदाउट फाइनेंस आप बिजनेस रन कर सकते नहीं हो आपके पास एटलीस्ट एडिक्वेट सफिशिएंट भी बोल सकते हो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ का क्या होना चाहिए वर्किंग कैपिटल होना चाहिए फिक्स कैपिटल तो होना ही चाहिए बिजनेस को रन करने के लिए तो ये भी एक इंपैक्ट पड़ता है अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को तो दीज आर द नथिंग बट आप बोल सकते हो कि कौन से कौन से इंटरनल है जो आप कंट्रोल कर सकते हो वो क्या हो जाएगा फैक्टर हो जाएगा फर्स्ट हो गया वैल्यू सिस्टम सेकेंड पढ़ा अपन ने विजन मिशन एंड ऑब्जेक्टिव थर्ड क्या पढ़ा अपन ने मैनेजमेंट स्ट्रक्चर फोर्थ पढ़ा इंटरनल पावर रिलेशनशिप फिफ्थ पढ़ा ह्यूमन रिसोर्सेज अदर फैक्टर्स के अंदर कौन से फिजिकल असर आप चाहो तो न्यू टेक्नोलॉजी ला सकते हो क्योंकि इंटरनल फैक्टर मतलब कंट्रोलेबल जो आपके हाथ में है, आप चेंज कर सकते हो वो सिचुएशन को ठीक है सेकेंड हो जाएगा मार्केटिंग रिसोर्सेज और लास्ट हो जाएगा फाइनेंशियल फैक्टर अभी जो पड़ेगा अपन एक्सटर्नल फैक्टर जो है अनकंट्रोलेबल मतलब वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में नहीं है उसको बोलेगे अनकंट्रोलेबल फैक्टर के कौन से कौन से ऐसे फैक्टर है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में नहीं है वो जो भी है उसको क्या करना पड़ेगा एक्सेप्ट करना पड़ेगा ठीक है चलो पहला ये उसमें नेचुरल एनवायरमेंट the factors which influence the business are geographical and ecological factors such as the natural resources endowment, weather, climate condition, topographical factors and local aspects in the global context. the natural environment comprising the factors like the climate, minerals, soil, landform, rivers and oceans and natural resources etc. all the elements of natural environment have a considerable influence on the functioning of the business. मैन्युफैक्चरिंग इज अ वन ऑफ द एक्सपेक्ट ऑफ द बिजनेस विच डिपेंड ऑन द फिजिकल एनवायरमेंट फॉर द इनपुट लाइक अ रॉ मटेरियल स्किल लेबर वाटर फ्यूल एटेक्चरा देखो अगर सपोज के आपका कोई ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आपको वाटर ज्यादा चाहिए या तो फ्यूल ज्यादा चाहिए अगर आपको वो नेचर से मिल ही नहीं रहा है तो कहाँ ना कहाँ इंपैक्ट पड़ेगा आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को और ये क्या एक नेचुरल थिंक है आपके बना तो सकते हैं पानी थोड़ी बना सकते हो आप लोग फ्यूल थोड़ी बना सकते हो तो ये एक इंपैक्ट पड़ सकता है आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि बिकॉज दिज आर द नथिंग बट नेचुरल रिसोर्स सेफ Trend and commerce sorry trade and commerce between the two nations is dependent on the geographical factor due to the natural factor certain areas are more suitable for the production of the certain goods while other area in the need of the such good. some of the business like mining of coal and ores, drinking of oil most important agriculture production depend on the nature today environmental pollutions and the distributions of the ecological balance causes great concern. government policy aim at a preservation of the environment, purity, ecological balance and conservation of the non-replaceable resources, etc. this have resulted into the additional responsibility and problem for the business. Apan ki bhai government, various changes आपको एज अ बिजनेसमैन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको एनवायरमेंट का ध्यान रखना है अगर कहां ना कहा आपको एनवायरमेंट पॉल्यूट कर रहे हो तो कहां ना कहा गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट कदम उठाने पड़ेगे वो नई नई पॉलिसी लाएगी और वो पॉलिसी को आपको क्या करना है इंप्लीमेंट करना है अपने बिजनेस ऑर्गेजन तो देर इज अ डिफिकल्टीज सेकेंड है सोशल एनवायरमेंट द सोसाइटल एटीट्यूड इज अंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस प्रैक्टिस टू द कोप ऑफ विथ इट

अपने कंप्यूटर के प्रोडक्ट भी वो बाय कर सकता है पर सोसाइटी की जो डिमांड्स है ना वो बढ़ती जाती है अगर आप कुछ चीज दे रहे हो उसको तो उसके बाद उसके वो लेवल के बाद उसकी लेवल और ऊपर बढ़ जाएगी क्या आप उसके बाद ये प्राइस में अच्छी से क्वालिटी दो उसके बाद वही प्राइस में उससे भी अच्छी से क्वालिटी दो मतलब जो भी गवर्नमेंट की जो एक्सपेक्टेशन है कभी नेवर एंडिंग है मतलब आप कभी भी फुलफिल कर सकते नहीं हो पूरे सोसाइटी को आज सपोज फॉर एग्जाम्पल रिलायंस की बात करो रिलायंस सबको सेटिस्फाई कर सकता है नहीं कर सकता सब रिलायंस टाटा आजा टाटा सबको सेटिस्फाई कर सकता है नहीं कर सकता है इसीलिए क्योंकि इतना बड़ा सा वर्ल्ड है सबको एक ही प्रोडक्ट एक ही ब्रांड सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि एवरी कस्टमर के माइंड एक्साइड मतलब एक जैसे नहीं होते किसको ब्लू कलर पसंद है किसको रेड कलर पसंद है तो बहुत सारी मेंटालिटीज होती है ह्यूमन बींग की जो आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते एट द सेम टाइम ठीक है अनदर फीचर्स विच अफेक्ट द बिजनेस इज क्लास स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी विच टेल अबाउट सोशल रोल एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द सोशल इंस्टीट्यूशन Class structure depend upon the various factors like the occupation of the people, their education, income level, social status, attitude towards the living, work and social relationship. Above all, their attitude towards the businesses. Every society develop its own culture, which means how the members of their society behave and interact with each other in a society. In addition to the other remarkable factor, including expect like customer, traditional values, ethics, beliefs, social trend, poverty, liberty literacy. लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट एंड अदर एक्सपेक्ट बिहेवियर पैटर्न विच आर एस फॉलो देखो ये लोग ने तीन पार्ट चार पार्ट में इन लोग ने क्या किया डिवाइड किया सोशल फैक्टर को कि भाई कौन से कौन से ऐसे सोशल फैक्टर हो सकते हैं जो अपने बिजनेस को इम्पैक्ट पड़ सकते हैं अफेक्ट पड़ सकता है डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली पहला ये सोशल एक्सपेक्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट ऑफ द सोशल एनवायरमेंट आर द लिटरेसी लेवल एजुकेशन सिस्टम कल्चर हेरिटेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड मोबिलिटी ऑफ द लेबर लेबर एटेस्ट्रा सेकेंड है सोशल ट्रेंड मैंने तुम लोग को भी जस्ट बोला कि नावर्ड है अपना जो ट्रेंड है मु, करंटली बात करो तो इंडिया का कहाँ ना कहा जो ट्रेडिशन से क्या हो रहा है शिफ्ट हो रहा है मॉडर्न की तरफ ठीक है इन इंडिया सोशल ट्रेंड आर चेंजिंग वेरी फास्ट अर्बन पॉपुलेशन इज बिकमिंग अ मोर हेल्थ एंड फिटनेस कॉशियस पीपल इन द लार्ज नंबर आर गोइंग टू द फास्ट फूड आइटम्स एंड द जिम इन द व्यू ऑफ दिस ट्रेंड फास्ट फूड आउटलेट्स एंड जिम्स आर कमिंग अप इन द अर्बन एंड सेमी अर्बन एरिया थर्ड है सोशल वैल्यू सोशल वैल्यू बेस्ड ऑन द कस्टमर एथिक्स बिलीफ हेल्प द बिजनेस टू मीट द डिमांड एज पर द कस्टमर नीड फॉर एग्जाम्पल होम बजेट सिस्टम विल बी नेवर बी एक्सेप्टेड इन द रूरल एरिया ड्यू टू द कस्टम्स फोर्थ है ट्रेडिशन सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली ईद क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल ऑल्सो अफेक्ट द

प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट टू बंडरटेकन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री पॉलिटिकल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग अ स्टेबिलिटी एंड पीस इन द कंट्री स्पेसिफाई द एटीट्यूड ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल स्टेबिलिटी गिवज द सिग्नल सिग्नल ऑफ़ द स्ट्रेंथ कॉन्फिडेंस टू द वज इंटरेक्ट ग्रुप्स एंड इन्वेस्टेड इन अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट देखो पॉलिटिकल एनवायरमेंट से कई सब इम्पैक्ट पड़ता है सपोज फॉर एग्जाम्पल आज बात कर रहा हूँ मैं सपोज की फॉर एग्जाम्पल आज जिस किसकी सरकार है बीजेपी की सरकार है तो आज सपोज फॉर एक्साम्पल बीजेपी की सरकार है तो वो जो भी पॉलिसीज बना रही है आप लोगों को क्या करना है इंप्लीमेंट करना है क्योंकि जो जीएसटी इज अ लाइव एग्जाम्पल अगर सपोज कि के पॉलिटिक्स नहीं लाया मतलब बीजेपी सरकार ने लाया है, क्या है क्या लाया था जीएसटी लाया था अगर सपोज की फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल के लिए प्लीज ट्रीट करना मैं कोमा में वापस से रिपीट कर रहा हूं ये एग्जाम्पल के लिए ही ट्रीट करना सपोज फॉर एग्जाम्पल आने वाले टर्म के अंदर सपोज वापस से कांग्रेस आती है तो कहा ना कहा अगर कांग्रेस को जीएसटी पसंद नहीं जीएसटी निकाल दिया तो कहा ना कहा आपको अगर सपोज कांग्रेस वापस से सर्विस टैक्स एंड एंड वेट न, सब ला रहे हैं तो आपको उसको क्या करना है एक्सेप्ट करना है मतलब एज अ बिजनेसमैन अगर आपको सक्सेस रहना है तो पॉलिटिकल का भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है सर क्यों क्योंकि जितना पॉलिटिकल स्टेबल रहेगा उतना आपका बिजनेस क्या हो सकता है स्मूथ चल सकता है मतलब सपोज के आने वाले पंद्रह बीस साल तक फॉर एग्जाम्पल बीजेपी रहती है मतलब उन लोग जीएसटी को तो चेंज करने वाले ही नहीं क्योंकि उन लोग ने खुद ने लाया जीएसटी तो कहा ना कहा आपको पंद्रह बीस साल तक जीएसटी फॉलो करना अगर सपोज के हर पांच साल के बाद सपोज भाजपा

इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया पोलिटिकल सिस्टम कंपराइजिंग थ्री वाइटल सिचुएशन इंस्टीट्यूशन लाइक अ लेगिस्लेचर गवर्नमेंट एंड जुडिशरी लेगिस्लेचर लेगिस्लेचर इज अ वेरी पावरफुल बिकॉज द पावर सच इज अ पॉलिसी मेकिंग लॉ मेकिंग बजेट अप्रूविंग एग्जीक्यूटिव कंट्रोल एटेक्शा आर इन देंड ऑफ द लेगिस्लेचर मतलब लेगिस्लेचर का मतलब यहाँ पे बोल सकते हो जुडिशरी बोल सकते हो नथिंग बट लॉ बोल सकते हो next a government for the business consideration we should know what are the government's responsibility towards the business government policy does affect the business organization therefore government should be frame the policy of the business organization और थर्ड हो जाएगा अपना जुडिशियरी जुडिशियरी इज अ थर्ड इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन पॉलिटिकल सिस्टम इट डिटरमाइन द मेथड ऑफ वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड डिफाइन द रिलेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड सिटीजन तो ये हो जाएगा आपके किसके हो जाएंगे नथिंग बट पॉलिटिकल एनवायरमेंट के इम्पेक्ट पड़ जाएगा देखो तो ये सब फैक्टर मतलब ये सब फैक्टर जो अपन अभी पढ़ रहे हैं एक्सटर्नल फैक्टर है जो कंट्रोलेबल नहीं है फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने जीएसटी ला दिया तो वो आपके हाथ में है? नहीं आपको फॉलो करना है जीएसटी तो दीज आर द नथिंग बट अनकंट्रोलेबल फैक्टर है बिजनेस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करू तो नेक्स्ट हो जाएगा अपना इकोनॉमिकल एनवायरमेंट द सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ द बिजनेस फॉर्म फुल्ली डिपेंड ऑन द इकोनॉमिक एनवायरमेंट द इकोनॉमिक एनवायरमेंट कंपराइजिंग ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक सिस्टम बेसिक इकोनॉमिक फिलोसॉफी इंफ्रास्ट्रक्चर नेशनल इनकम मनी पॉलिसी मनी सप्लाई सेविंग सेज इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ट्रेड साइकिल आर ऑल्सो मेजर फैक्टर विच मेक अप द टोटल इकोनॉमिक एनवायरमेंट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर आर एस फॉलो पहला ये इकोनॉमिक कंडीशन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द नेशन रिफर्स टू द प्रेजेंट स्टेट ऑफ द इकोमी इन अ कंट्री और रीजन इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द नेशन इज बेस्ड ऑन द डोमेस्टिक प्रोडक्ट नथिंग बट जीडीपी की बात कर रहा है अगर जीडीपी अच्छा रहा तो पर कैपिटल इनकम अच्छा रहेगा पर कैपिटल इनकम अच्छा रहा तो कहा का ना नेशनल इनकम अच्छा है नेशनल इनकम अच्छा है कहा न का कंट्री का, का, ना अच्छा का क्या जाएगा। capital, growth market, हो जाएगा ग्रोथ हो जाएगा ठीक है अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल ग्रोथ ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड स्ट्रेंथ ऑफ द कैपिटल मार्केट एट एक्स्ट्रा देकेंड हो जाएगा इकोनॉमिक पॉलिसीज all the business activity are directly influenced by the economic policies which are framed by the government from the time to time. government keep on changing this policy keeping the development in the view. industrial policy, monetary policy, foreign investment policy, export-import policy, agriculture policy, education policy, public expenditure policy are the important economic policy. every business must be function strictly within the policy framework and responded by the change there. बना रही है इतनी सारी पॉलिसीज़ इन लोगों ने देखा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट फॉरेन पॉलिसी एग्रीकल्चर पॉलिसी जो भी पॉलिसी गवर्नमेंट बना रही है तो उसके अंदर जो भी चेंजेस कर रही है वो चेंज को क्या करना है एक्सेप्ट करना है एज अ बिजनेसमैन आपको इकोनॉमिक सिस्टम द स्कोप ऑफ द प्राइवेट बिजनेस एंड द एक्सटेंड ऑफ द गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम दैट इज कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट एंड मिक्सड कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक मतलब नथिंग बट कैपिटल मतलब अगर आपको बिजनेस चालू करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए कैपिटल होना चाहिए अगर आपको मार्केट से इजिली कैपिटल मिल जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अगर सपोज की नावर्ड एक मार्केट से कैपिटल मिलना वेरी डिफिकल्ट है ड्यू टू कोविड क्योंकि किसी के पास भी पैसा नहीं है तो कोई अगर है तो भी वो दस बार सोचेगा पैसा इन्वेस्ट करू कि नहीं करू तो दिस आर द द वन ऑफ प्रॉब्लम दिस इकोनॉमी इज ऑल्सो नो एज अ फ्री मार्केट इकोनॉमी दिस सिस्टम स्ट्रेस ऑन द इंडिविजुअलिज्म विच बिलीव इन द प्राइवेट ओनरशिप दैट इज एक्साम्पल यूएसए सोशलिस्ट इकोनॉमी इन दिस इकोनॉमी सिस्टम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर ऑर्गेनाइज मैनेज एंड ओन बाय द गवर्नमेंट सोशलिस्ट इकोनॉमिक डज नॉ डिजन ऑफ द एक्जिस्टिंग वेल्थ अमॉंग द पीपल और मिक्स इकोनॉमिक मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर ज्वाइंटली ओन बाय द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल एग्जाम्पल इंडिया मतलब अपनी आपकी जो पॉलिसी है जो है मिक्स इकोनॉमी है मतलब अपन देख रहे रिलायंस टाटा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है कहा ना कहा गवर्नमेंट के मिल के साथ हो आपको एज बिजनेसमैन जो भी चेंजेस आ रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टेक्नोलॉजी के अंदर वो टेक्नोलॉजी को क्या करना है अपग्रेड करते रहना है टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट कंसिस्टिंग ऑफ द मेथड एंड टेक्निक अडोप्टेड फॉर द प्रोडक्शन द वेराइन टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट अफेक्ट डिजाइनिंग ऑफ द प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी इज अ मोस्ट ड्रामे ड्रामेटिक फोर्स शेपिंग द डेस्टिनी ऑफ द पीपल एंड बिजनेस टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आर फास्ट एंड बिजनेस शुड बी एवर अलर्ट टू द टेक्नोलॉजी चेंजेस फ्रॉम द टाइम टू टाइम जो भी टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं मैंने तुम तो पहले ही बोला डेवन पे कि आप घर आप और मॉडर्न नहीं यूज़ कर रहे हो और ट्रेडिशनली यूज़ कर रहे हो और कॉम्पिटर में अगर कोई कॉम्पिटिटर मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है तो कहाँ न आपके बिजनेस पर इंपैक्ट पड़ने वाला ही है इट मे बी नोटेड दैट साइंटिफिक रिसर्च फॉर इनोवेशन इन प्रोडक्ट एंड सर्विस इज अ रेगुलर एक्टिविटी इन बिजनेस फॉर्म बिकॉज नावर ड नो फॉर्म कैन बी अफोर्ड टू परसिस्ट विद द आउट डेटेड टेक्नोलॉजी एग्जाम्पल डिजिटल इंडिया इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब आप एज अ बिजनेसमैन आपको जो भी चेंजेस आ रहे हैं आपके टेक्नोलॉजी के अंदर प्रोडक्ट के अंदर आपको क्या कर लेना लाते रहना है अगर आपको मार्केट में सर्वाइव करना है तो और लास्ट हो जाएगा लीगल एनवायरमेंट जो है एक्सटर्नल फैक्टर का पार्ट है बिजनेस इन अ कंट्री कैन बी स्टेटेड रेगुलेटेड कंट्रोल एक्सपांडेड लीगल फ्रेमवर्क ऑफ द कंट्री इन दिस कनेक्शन ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव अटेड सेट ऑफ लॉ फॉर द कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑल बिजनेस मैनेजर शुड हैव नू नॉलेज ऑफ द लॉ ऑफ टेकिंग एनी डिसीजन सम ऑफ द एग्जाम्पल दिए जो लॉ बनाए समॉ के एक्साम्पल दिए सम इंपॉर्टेंट लॉ इंफ्लुसिंग ऑफ द बिजनेस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दिए व मैन कंपेंसेशन एक्ट दिया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट दिया स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजरमेंट एक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है कंपटीशन एक्ट है यर इन द ब्रैकेट आइदर डी नोट द अमेंडमेंट और प्रपोज टू द अमेंडमेंट एक्ट ठीक है जो भी है एयर इलेवेंस था मतलब इसके अलावा भी और हजारों लॉ बनाए हैं इंडिया में अगर आपको एज अ बिजनेस आपको ये सब लॉ का क्या होना चाहिए नॉलेज होना चाहिए जो भी चेंजेस आ रही है उसके लिए अपडेट होना चाहिए आपको एज अ बिजनेस मैन

जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस नथिंग बट एल पी जी जो बात कर रहा हूँ लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन वो अपना लास्ट पार्ट होगा और चैप्टर को मैं क्या कर दूंगा वाइंडिंग अप कर दूंगा वहां पर ठीक है तो ये टिल टाइम आप चैनल के लिए प्लीज अपडेट रहिए थैंक यू सो मच